तो जी इधर राजमे की सब्जी बनकर तैयार है, ये देखिए पूरी बिल्कुल। अब ऐसे तो खाने वाले बताऊँ कैसे बननी, कलर वलर तो सब ठीक आ रहा। अब इधर आती है तैयारी हो जाती है आम की सब्जी बनाने की। ये जो है कल के लिए तैयारी है, सफर में सबसे बढ़िया है, खराब नहीं होगी। तो इधर पतीली जो है चढ़ा दी, अब इसमें छोंक लेते हैं आम की सब्जी खट्टी मीठी। और पतीली रखते ही गर्म होगी। तो जी आम की जो सब्जी है वो छोंक रहे हैं सोप में, और तेल जो है हमारा गर्म हो गया। और सबसे आसान बनाना है सब्जी को, और भी मसाले पड़ने के इसमें नमक मिर्च मसाले डालेंगे, लेकिन बाद में इसमें लहसुन प्याज नहीं डलता कुछ भी। नारी मिर्च लाल मिर्च का इस्तेमाल होगा। सब्जी बनाओगे चटनी? ना ज्यादा पतली ना ज्यादा सूखी, ठीक ठाक की सब्जी में टाइप की बना लेंगे। मिर्च लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर, ज्यादा सूखी हो रही लगे ना पतीली में, इसलिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। तो जी इधर जो है आम की सब्जी, तो देखो बिल्कुल वो बन गई, पेस्ट बन गया बिल्कुल, पक भी बहुत अच्छी तरीके से गया। और अब इसमें डालना है मुझे मीठा, बाकी तो नमक मिर्च बाद में पता लगेगा। और मीठा ये काफ़ी है क्योंकि ये ज़्यादा खट्टी अम्बी नहीं है, बाकी टेस्ट करके पता लगेगा कितना मीठा आएगा। माँ जी की सलाह के अनुसार डालना मैंने सब मीठा, माँ जी ने बोला कितना काफ़ी रहेगा इसमें, और देख लो कलर कितना फेयर आ जाएगा। तो मीठा रहेगा कम, थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा इसमें मीठा, क्योंकि अभी खट्टी लगी चटनी, खुशबू भी आ रही है बाप में, लाल चटनी जैसा कलर आ रहा है। तो भाई दूसरी सब्जी भी तैयार होगी, ये मीठा भी हो गया, मीठा भी हो गया। इधर जो है चटचरा कुछ तीखा हो जाएगा, तो ये मिर्च फ्राई होगी कल के लिए अचार के रूप में। उधर रख दिया पानी चूल्हे पे, पानी में जब उबाल आ जाएगा तो चावल डाल देंगे, चावल भिगा रखे, फूल भी गए तो ऊपर तक भर गया। और इधर फ्राई करेंगे ये रोटी, रोटी बनानी फिर इधर आटा बनने लग रहा, सब्जियाँ बन जाएगी, चावल बन जाएंगे और रोटी बन जाएगी, काम फिर कंट्रोल में ही हो जाएगा, खानी खानी फिर बाकी बस। थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, इस चूल्हे पे दो तो सब्जियां बनी थी और मिर्चें फ्राई हो लग रही, इस चूल्हे पे एक तो सुवाली बनाई थी और सुवाली से पहले मिठाई बनाई थी बर्फी, और अब चावलों का पानी रख रखा, दो चूल्हे चलाए तब जाकर काम कंट्रोल हुआ कुछ। तो भाई मिर्चें लगभग फ्राई होगी, बस थोड़ी सी चोर लगा रहे हैं, और ये भुनी हुई जो मिर्च है ना फ्राई, ये बढ़िया लगती है। लो भाई लाइन में लग रहे बन बन के, पहली सब्जी, दूसरी चटनी और तीसरी मिर्चें। अब उधर पूरी बनेगी, आटा बना दिया, कढ़ाई चढ़ाओगे और पूड़ी उतारनी इस पर। बच्चे अपना इंजॉय कर रहे, खेल रहे, कूद रहे। हे बच्चों चोट में लगवा लियो, इस पर से गिर गए, प्लास्टिक के कट्टे फिसल जाए इन पर से। इधर पेड़े बना रही, पेड़े जो कि मैं बोरा ला रखा, खोया है, खोया बनाया था घर ही, और कुछ भैया सुवाली रखी थी, कुछ ये वाली बर्फी रखी, पैक कर ली डब्बों में। उधर वाले चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी पूरी बनने के लिए, आटा बन रहा, पूरियाँ बनेगी। और इधर वाले में जो पानी चढ़ाया था, खद्दा आ रहा था, उसमें चावल डाल लिए। इधर पूड़ियाँ बनना शुरू हो गई भाई, और बच्चों को कुछ काम दे दिया मैंने, तब तक इधर सलाद काटने का, खीरे दे दिए, टमाटर दे दिए, और प्याज अलग से काटेंगे, प्याज रखी बोरे में, प्याज वहाँ से ले लियो बाद में, अलग काटियो, लेकिन कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं ना। खाना बन गया भाई और पंगत शुरू हो गई इधर, लड़कियाँ तो सब बैठी सबसे पहले यही खा रही खाना। फ्रेंड्स सुबह का टाइम है और रेडी होने लगे हम, रात से जो हमारी तैयारी चल रही थी ना
वो देखो तैयारी चलती ही रही रात भर, तो आराम भी बहुत कम मिला क्योंकि 10-11 तो बज गए थे ऐसे, 11 ही बज गए, ज्यादा 11:30 बज गए थे, 11:30 बज गए थे। खाना वाना बनाने खाने में, मेहमानों को बिस्तरा मच्छरदानी और सब चीजें देने में, उसके बाद हम लोग लेटे। और रात आरुषि की थोड़ा तबीयत खराब हो गई, उल्टी दस्त हो रहे थे तो थोड़ा सा उसने परेशान किया, लेकिन फिर भी हम लोग समय से जाग गए थे सुबह 3:15 बजे और तैयार होना शुरू हो गए थे। हम दोनों भी तैयार हो गए, बाकी लोग भी तैयार हो गए, गाड़ी की तरफ बढ़ रहे धीरे धीरे। और चलिए आप लोगों को भी लेकर चलते हैं, आज हमारी यात्रा है शाकुंभरी देवी माता की, गाड़ी की पूजा है और पूरे परिवार के साथ है, सब लोग आ रहे, देखो कितने सारे जने हैं, सबसे मिलवाऊं मैं, चलो बैग में उठा लूँ। और उसी की वैसे तो तबियत खराब है, लेकिन कह रही सब बच्चों के पास ही बैठूंगी मैं, जा लिया कैसे आगे, मैंने कहा मेरे पास बैठ लिया, बोली नहीं मैं सबके साथ बच्चों के साथ ही बैठूंगी। चलो तो भाई सब लोगों ने अपनी अपनी सीट ग्रहण कर ली और हमारा जो नंबर आया, हमारा जो नंबर आया पीपन वाली गाड़ी में आया पीपन भैया की, और हमारे साथ में आरुषि है क्योंकि इसे खिड़की के पास बैठा नहीं, उल्टी लग सकती है इसको। और पीछे कौन कौन है भाई, मयंक है, आरुषि तो आई गई हमारे पास, लेकिन नंदनी हमारे पास नहीं आई, नीलाक्षी बहन जी के पास। हाँ नंदनी अपने बड़े पापा के दौरे भी नहीं दिखे, नहीं बड़े पापा ये रहे नहीं। सुनील के दौरे भी नहीं, तब से तो नहीं कहती आ रही थी आपके पास ही बैठूंगी आगे। पूरे महादेव की जय, बोल शाकुंभरी देवी माता की जय, भूमिया खेड़े की जय। चलो भाई जयकारे के साथ हम लोगों की यात्रा शुरू होती है। तो भाई हम लोग शामली सहारनपुर और बेहट के रास्ते होते हुए माता रानी के दरबार में, शाकुंभरी देवी के दरबार में पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और देखिए दरबार से थोड़ी दूर ही कितनी भीड़ है, जाम लग रहा है काफी दूर तक, गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही इस लाइन में। तो जैसे जाम खुलेगा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम मंदिर की तरफ। पहले तो आओगा भोरे देव का मंदिर है ना, भोरे देव का मंदिर आओगा, वहाँ रुकेंगे सबसे पहले स्टे होगा। हरी गाड़ी में एक तो आरुषि ने अपनी नींद पूरी कर ली, चलो तबीयत में भी दवाई ले ली थी, इंजेक्शन लगवाया था, तबीयत में भी आराम मिल गया। ठीक है आपका बेटा, बुखार से तो नहीं हो रहा, उल्टी दस्त अब कुछ नहीं, अब तो ठीक हो गया। और सार्थक ने भी पूरी कर ली अपनी नींद, ये तो बेड की तरह करोट लिया था है। हाँ पीछे तरुण मैं गए भाई, इन्होंने भी नींद करी थोड़ी बहुत पूरी, सो गए थे, भी पूरा स्पेस मिल रहा, किसी को ज्यादा भीड़ नहीं है। और जैसे ही हमारी गाड़ी थोड़ा धीमी हुई तब हमें गर्मी का भी एहसास होने लगा, नहीं तो चलती गाड़ी में तो बढ़िया हवा लग रही थी। हमारे इस काफिले में कुल मिलाकर 4 गाड़ियां हैं, एक में तो अमित पाल फैमिली है, दूसरे में मैं और प्रीति यानी अरविंद पाल फैमिली है, और तीसरे में वंदना और गोभी वाली है दिखे, और चौथी में सुमित पाल पाल फैमिली। चूँकि नई गाड़ी की पूजा है, मेहमान सहित घर के कुल मिलाकर बहुत सारे लोग हो रहे थे, तो एक अपनी गाड़ी के साथ 3 और गाड़ी हमने कर रखी। इस तरह से पूरे भक्तों की टोली निकली है जयकारा लगा के। बंदर देखो गाड़ी के ऊपर किस तरह बैठे, जना मालिक है गाड़ी के, बंदर किस तरह बैठे। तो धीरे धीरे जाम खुलने लग रहा है और प्रसाद की दुकान दिखाई देने लगी हमें, तो इसका मतलब भोरे महादेव जी के मंदिर का हम पहुंच गए। हाँ ये है, तो भोरे महादेव जी का मंदिर आ गया भाई, पहला प्रसाद यहाँ चढ़े माता रानी से पहले। चलो ज़्यादा भीड़ नहीं है, वहाँ नहीं ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, श्रद्धालु को ज़्यादा नहीं है आ चुके, सब अपने व्यक्तिगत वाहनों से आ रहे हैं, तो आदमी कम और वाहन ज़्यादा, वाहनों की भीड़ रहे। और इस तरफ पार्किंग है भाई, वह गाड़ियाँ लगी हुई है पार्किंग में, उधर पार्किंग में हम चलेंगे, रास्ता आगे से शायद पार्किंग का। ठीक है भैया, भोरे महादेव के भी मंदिर के प्रवेश द्वार कई सारे हैं शायद, नहीं वो निकास द्वार है इधर वाला, बोलो भोरे महादेव की जय। बाकी गाड़ियाँ भी आ गई भाई, देखो इसमें अमित, इसमें देखो चाचा जी बैठे आ गई, नई गाड़ी पीछे है थी सबसे आने वाली है, अभी भोरे महादेव पे पहुँच गए। और चलो गाड़ियाँ अपनी 1, 2, 3, 4 ये लगा दी, और सब सवारी हमारी ये रही, सब श्रद्धालु अब चलेंगे थोड़ा सा मंदिर की तरफ और प्रसाद लेंगे उधर से। प्रसाद ले लिया हमने, आरुषि के हाथ में ले लिया, प्रीति गड़ी कुछ है नंदनी को ले रही, चलो वहीं चल रहे अपनी अपनी मम्मी के पास, चलो आगे वो आगे लेते रहो एक एक जने, चलो आगे थोड़े से। और भोरेदेव के मंदिर में काफी लंबी लाइन लगी थी, लाइन में पीछे हम लोग भी लग गए सब।
भूरे देव का प्रसाद चढ़ा लिया और सारी सवारी अपनी अपनी गाड़ी में चले गई, जो जिसमें घर से बैठ कर आया था उसी गाड़ी में उतनी सवारी पूरी करके अब हम चले हैं माता शाकुंभरी देवी के दरबार की तरफ। यहाँ से थोड़ी दूर है सामने की तरफ। जब हम पहले आए थे तो हम पैदल गए थे, तो थोड़ा सा दूर है, वैसे ज्यादा दूर तो है नहीं। और देखो ज्यादा भीड़ भी नहीं है, मेले का टाइम ज्यादा भीड़ रहे। इस समय सुबह सुबह बस भूरे देव में भीड़ थी। ऊँट दिखाऊं क्या? कितने ऊँट पे? यहाँ पे रुकी हुई है श्रद्धालुओं की टोली और प्रसाद ले लिया हमने। कुछ प्रसाद घर से लाए थे, हलवा पूरी और पेड़े, और बाकी प्रसाद की टोकरी यहीं से ले ली। अब चलेंगे प्रसाद चढ़ाने सब लोग। तो फ्रेंड्स प्रसाद चढ़ा के सब लोग यहाँ इकट्ठा होने लगे और उधर गाड़ी की पूजा कराने के लिए पंडित जी को बुला लाए हैं। सृष्टि क्या कर रही है? पानी पी रही और पानी के साथ खेल रही। भीगी पानी ए भाई, ओ भाई, ए भाई, ए भाई। और दे दो पानी। माता जी के मंदिर परिसर में खड़े अभी हम, और उसको प्यास लगी थी, छोटी फ्रूटी ला के दी से एक मजा। माता जी का जो मंदिर है वो यहाँ पे विराजमान है देखो, और उधर से लाइन चल रही जहाँ वो पुल है ना, उस पुल के ऊपर भी लोगों की लाइन है। इधर से लाइन बन के चली और वहाँ से घूमते हुए यहाँ मंदिर दरबार में पहुँची थी माता रानी के ऊपर। माता रानी के मंदिर तक पहुँचे थे और प्रसाद चढ़ा कर फिर इस दरवाजे से वापस आए। और इधर हमारी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं तीन दो तीन, तो चले यार उस भाई अभी माता छिंद माता मंदिर में भी जाना, वहाँ पर वो चढ़ाई चढ़नी थोड़ी सी। माता छिंद माता के मंदिर में जा रहे, पैड़ी वाली चढ़ाई चढ़ के यहाँ से वहाँ तक जाना। थोड़ी सी पैड़ियाँ चढ़ ली हमने नीचे से और थक गए अब, तो चढ़ना भी धीरे मुश्किल हो गया। सुबह तो पानी पानी मंदिर में यहाँ प्रसाद की भी दुकान है भाई, और यहाँ से प्रसाद ले लिया। चलो चढ़ाओगे प्रसाद, आ जाओ। शाकुंभरी देवी माता की जय। एक बढ़िया सा पिकनिक स्पॉट हमने देखा है, वहाँ पे रुके छाँव में, खाना वाना खाया सबने, और इस समय अब चल रही हम अपने घर की तरफ। आराम करेंगे वहीं जाके। 12:30 बजे है, 2-3 घंटे में चले जाएंगे घर। 3 बजे तक चले जाएंगे। माता रानी की जय। नंदिनी को देखो, नंदू बेटा वहाँ क्यों बैठते हो आप आगे? एसी के लिए, एसी की ठंडी ठंडी हवा के लिए बैठती है ये आगे। और थक कोई पसीना आ रहा है घर में लग रही, थोड़े से घर को होली बीच में, बीच में एसी ज्यादा आ रहा है यार। जब एसी चल रही तो पूरी गाड़ी ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में। क्या हो रहा देखो, नींद आ रही है अंकों को, उंगलियों तो खोल खोल कर देख रही। आगे बैठा है क्यों तुझे? जब नींद आवे है आ जा पीछे, आ जा गोद में सोऊंगा बेटा। तो फ्रेंड्स इस तरह से माता रानी के दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के हम सब लोग घर की तरफ चले थे। बोलो माता रानी की जय, सच्चे दरबार की जय।